हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग जो है कुछ खास लेकर आई हूँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के पता लगा लिए होंगे कि क्या है ब्लॉग में। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा की तैयारी। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर यहाँ पे हल्दी लगा रही है तुलसी माँ को, क्योंकि हल्दी से ही पहले शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ रंगोली मेकर लेकर के रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि पूरी अच्छे से तैयारी हम लोग करते हैं तुलसी माँ का जब विवाह करते हैं तो, और पूरा डेकोरेशन भी अच्छा खासा होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं और देख रहे हैं कि किसकी रंगोली अच्छी बनती है। और यहाँ पे हमारी रंगोली बन करके रेडी हो गई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि रंगोली कैसी लग रही है। और मैं यहाँ पे दिए से सजा रही हूँ रंगोली को, और यहाँ पे दिए भी रख दी हूँ घी डाल करके। एक कलश पे दिया जलाई हूँ, बाकी भी जलाऊंगी। और ये रहा पूरा मेरा डेकोरेशन, कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। Thank you.
अब मैं यहाँ पे महावर लगा रही हूँ तुलसी माँ को, क्योंकि पहले महावर लगा दूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको साड़ी पहनाऊँगी और इनको दुल्हन बनाऊँगी। बहुत प्यारी लगेंगी साड़ी पहन करके, आप लोग देखना। और यहाँ पे हमारी तुलसी माँ रेडी हो गई हैं साड़ी पहन करके, एकदम दुल्हन के तरह तैयार होकर के बैठी हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी की नज़र ना लगे हमारी तुलसी माँ को। अब मैं इनका पूरा श्रृंगार कर देती हूँ और यहाँ पे बगल में विष्णु भगवान को भी मैं बैठाती हूँ। शालिग्राम और विष्णु भगवान दोनों लोग से शादी करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। किसी कोई बोलता है शालिग्राम से करते हैं, कोई बोलता है विष्णु भगवान से करते हैं। तो मैं यहाँ पे उनकी भी पूजा कर देती हूँ, तिलक लगा देती हूँ। और यहाँ पे माता रानी का हो गया श्रृंगार पूरा। अब हम लोग शुरू करते हैं आरती। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखें हम लोग पूजा कर चुके हैं तुलसी माता का, क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी। तो आज है तुलसी जी का विवाह, तो हम लोग यहाँ पे तुलसी जी का विवाह कर चुके हैं। कितनी प्यारी लग रही है, और मैंने साड़ी भी पहना दी हूँ, सारा श्रृंगार भी हो गया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग की तरफ भी होता होगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा हो। और मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, मेरी रंगोली भी है। तो आप लोग को भी देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में, और अच्छा रहा आज का मेरा पूजा पाठ सब कुछ।
मिलते हैं आप लोग से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके बाय।